अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? मेरा नाम रेहान अल्लाह वाला है और आज हम बात करेंगे हिकमत की और इल्म की। बहुत पुराने एक फ़िलासफ़र हैं, उनका नाम है सुकरात, और उनके पास एक साहब आए 1600 किलोमीटर चल के, और उनसे कहा, सुकरात साहब, आप मुझे अपनी सारी हिकमत दे दीजिए, विजडम दे दीजिए। तो उन्होंने उसको आएँ बाएँ शाएँ कर दिया, फिर आ गए थोड़ी देर के बाद, फिर आ गए थोड़ी देर के बाद। तो एक साहब, वो साहब किसी के पास पहुँचे, उसको लेकर एक दरिया के किनारे में आए और उस दरिया में उसको सर को नीचे डुबोया और वो बिलबिलाने लगा पानी हवा के लिए। थोड़ी देर के बाद जब वो निढाल हो गए, वापस नहाने काला, तो उन्होंने कहा, यह आपने क्या किया, मैं आपसे इतनी दूर से आपसे हिकमत मांगने आया हूँ और आप मुझको पानी में डुबो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन आपके अंदर तड़प पैदा हो जाएगी उस हिकमत को हासिल करने के लिए, जितनी तड़प इस हवा के लिए थी, आपको हिकमत मांगने के लिए मेरे पास आने की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। आज के दौर में तो ये बहुत ही आसान है। आज के दौर में तो अगर आपके पास किसी भी चीज़ को, नॉलेज को हासिल करने की तड़प हो, आप google.com खोलें, एंटर दबाएं, सवाल लिखें, जवाब आ जाता है। youtube.com लिखें, सवाल लिखें, जवाब आ जाता है। तो आज के दौर में तो ये बहुत ही आसान था, लेकिन मेरा तजुर्बा ये कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जब भी किसी भी चीज़ को, इल्म को हासिल करने की कोशिश करी, वो इल्म कहीं ना कहीं से घूमते फिरते पहुँचते हुए मिल गया मुझको। शर्त ये थी कि मैंने गिव अप नहीं करा और पीछे पड़ा रहा, यानी जो इंडियन फिल्म और अमेरिकी फिल्म के हीरो वाले काम है ना, कि 50 गोलियां लग जाती हैं फिर भी चलते रहो और पीछे पड़े रहो। तो दैट इज़ जब आपकी हिम्मत नहीं हारते आप और वो लगे रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली यू गेट द रिज़ल्ट, आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है। हम हर रोज़ नमाज पढ़ते हैं और हर रोज़ नमाज में वही आयतें आ रही होती हैं, लेकिन 99% ऑफ हमारे लोगों को उस नमाज का मतलब नहीं मालूम होता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन का भी मतलब नहीं मालूम होता। यहाँ तक तो हम उर्दू के अल्फाज से जोड़ सकते हैं, लेकिन उससे आगे हम ये क्यों नहीं करते कि एक दिन में एक जुमला पूछें किसी से, या एक लफ्ज़ सीख लें खाली, कि भाई नईम का मतलब क्या होता है, ज़ईफ़ का मतलब क्या होता है, इसका लफ्ज़ का मतलब क्या होता है, इस मतलब का मतलब क्या होता है, ई आका का मतलब क्या होता है। तो अगर हम एक दफ़ा ई आका रोज़ 5 मिनट अगर लगाएं और ई आका को गूगल कर लेंगे, ई आका का मतलब क्या था, तो ऑटोमेटिकली हमारी अंग्रेज़ी और सॉरी अंग्रेज़ी नहीं, उर्दू ठीक हो जाएगी, अरबी भी ठीक हो जाएगी, अरबी ठीक हो जाएगी। तो ये बात निकली कि एक साहब आए और उन्होंने कहा कि मुझे अपनी अंग्रेज़ी ठीक करनी है। तो अंग्रेज़ी के लिए भी अगेन मेरी यही तरकीब है थी, बताए उनको कि यार आप अंग्रेज़ी को सुनना शुरू कर दें डेली बेसिस पे किसी भी तरह की, और आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगी। एक और फिल्म है मेरी कि मैंने इंग्लिश कैसे सीखी, वो ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको मैं अपना मज़ेदार किस्सा सुनाऊंगा कि मैंने इंग्लिश कैसे सीखी, और हो सकता है आपको भी इससे फ़ायदा हो। शुक्रिया बहुत बहुत, अल्लाह हाफ़िज़।